हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसका नाम है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी एंड कार्बन सोर्सेस यानी कि न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में हम दो क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए एक तो एनर्जी सोर्स दूसरा कार्बन सोर्स तो हम पहले इन दोनों बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग से क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम एनर्जी सोर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की अब ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी के सोर्सेस दो तरीके के हो सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स लाइट को एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे फोटोट्रॉफ्स जैसे कि प्लांट्स और वो जो लाइट को सोर्स ऑफ एनर्जी ना यूज करके केमिकल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे उन्हें हम बोलेंगे केमोट्रॉप्स यानी कि एनर्जी सोर्स के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे फोटोट्रोप्स जो लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें और केमोट्रोफ्स जो केमिकल्स की रिडॉक्स रिएक्शन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में कंसीडर करते हैं वो है कार्बन सोर्स तो कार्बन सोर्स ऑर्गेनिजम्स के लिए इनऑर्गेनिक भी हो सकता है ऑर्गेनिक भी हो सकता है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यूज करें सच एज CO2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स और ऐसे जो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज ना कर पाए वो डिपेंड करें दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉप यानी कि कार्बन सोर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप ऑटोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन जैसे कि सीओ टू को यूज करके अपने आप खुद से ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन बना पाए जैसे कि और हेड्रोट्रॉप कुछ ऐसे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज नहीं कर सकते अब दोस्तों हमने करना क्या है इन दोनों क्लासिफिकेशंस को कंबाइन करना है तो अगर मैं ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी सोर्स के बेसिस पे क्लासीफाई करने की कोशिश करूं तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं एंड अब इसी क्लासिफिकेशन के साथ एनर्जी सोर्स वाली क्लासिफिकेशन के साथ अगर मैं कार्बन सोर्स वाली क्लासिफिकेशन को कंबाइन करूं तो कैमोट्रॉप जो होते हैं दे कैन बी कैमो हेट्रोट्रॉप और कैमो ऑट्रोट्रॉप सिमिलरली जो फोटोट्रॉप होते हैं इनको अगर मैं कार्बन सोर्स वाली क्लासिफिकेशन के साथ कंबाइन करूं तो फोटोट्रॉप भी दो तरह के हो सकते हैं फोटो हेट्रोड्रॉप एंड फोटो चलिए दोस्तों अब इन चारों की की डेफिनेशन डिटेल में जाते हैं और कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं तो जब मैं इन दोनों तरह की क्लासिफिकेशन को कंबाइन करूंगी तो हमने देखा कि हमारे पास चार तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं सबसे पहले हैं फोटो ऑटोड्रॉप फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड और ऑटोड्रॉफ्ट का मतलब हमने दोस्तों अभी किया जो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन पे डिपेंड करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें और इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यानी कि सीओ टू यूज करें ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे फोटो ऑटोड्रॉफ्ट एग्जाम्पल आर ग्रीन प्लांट्स सर्टेन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे आप बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है इसके अलावा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फोटो के दूसरी तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं इन दोनों क्लासिफिकेशन से फोटोहेट्रोट्रॉप फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड हेट्रोट्रॉफ्स मतलब जो ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट को एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंड करें फॉर सोर्स ऑफ कार्बन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे फोटोहेटरोट्रोफ्स दे यूज़ सनलाइट एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज़ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर एग्जांपल पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया इसी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं केमोऑटोट्रोफ्स जो केमिकल्स पे डिपेंड करें फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल्स की रिडॉक्स रिएक्शन पे डिपेंड करें फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी और इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन यूज करें ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे केमो एट अब दोस्तों एक बात ध्यान हमने रखनी है यहाँ पे जो केमो ऑटोट्रॉप होते हैं जैसा कि मैंने बताया वो केमिकल्स की रिडॉक्स रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर सोर्स ऑफ एनर्जी अब जो केमिकल्स होते हैं जो ये ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं ये जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल्स पे डिपेंड करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इसीलिए इनका एक और नाम पड़ जाता है तो केमो के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से यूज हो सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड की रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करते हैं फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अमोनिया पे डिपेंडेंट हैं अमोनिया की रिडॉक्स रिएक्शन पे फॉर देर सोर्स ऑफ एनर्जी तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की रिडॉक्स रिएक्शन पे डिपेंड करें फॉर देर सोर्स ऑफ एनर्जी उनको हम बोलेंगे केमो ऑटोट्रॉप या फिर लिदोड्रॉप एग्जाम्पल इज ये सल्फर डिपेंडेंट बैक्टीरिया है ये बेसिकली सल्फर कंपाउंड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पर डिपेंड करेगा एज फॉर देर सोर्स ऑफ एनर्जी लास्ट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनका नाम है कैमोहेट्रोट्रॉफ्स यानी कि केमिकल्स की ऑक्सीडेशन यानी कि डिडॉक्स रिएक्शन पे डिपेंड करेंगे फॉर देयर सोर्स ऑफ एनर्जी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंड करेंगे फॉर देयर सोर्स ऑफ कार्बन जनरली जो कैमोहेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज सोर्स ऑफ कार्बन भी यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल को या फिर प्रोटीन्स को लेंगे यूज कर लेंगे एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन्स ऑल फंजाए एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और दोस्तों आई होप आपको आज का लेक्चर यूजफुल लगा होगा अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू